सगाई की रस्म पूरी कर वापस लौटते समय पिकअप वाहन पलट जाने से करीब 2 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, 4 को किया गया इंदौर रिफर। बताया जाता है कि रविवार शाम करीब 5 बजे विक्रमपुर कुमनगांव रोड पर ग्राम नामनपुर से रविवार सुबह विक्रमपुर सगाई करने गए थे। सगाई करने के बाद विक्रमपुर से नामनपुर वापस लौटते वक्त समय पिकअप वाहन MP41GA1772 अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें सवार लोग करीब 25 से 30 लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही 111-108 के पायलट दीपक बिश्नोई, EMT ब्रजेश सिंह कुशवाहा ने मौके पर पहुंचकर घायलों को कन्नौज सिविल अस्पताल पहुंचाया। BMO डॉक्टर लोकेश मीणा ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद सुरेश पिता बिहारी 45 वर्ष निवासी नामनपुर, राजू पिता बद्री 35 वर्ष नामनपुर, मनोज पिता भूरालाल 28 वर्ष निवासी घायली, श्यामलाल पिता बलराम 50 वर्ष नामनपुर को गंभीर चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। बाकी घायलों का कन्नौज में ही उपचार किया जा रहा है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए देवास से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। एक्चुअली 27 के लगभग लोग आए हैं घायल, और 4 को करीब करीब रेफर किया है। तो एक्चुअल कोई सगाई के लिए नामनपुर के लोग विक्रमपुर गए थे, तो वो आयसर से वापस लौट रहे थे सगाई करने के बाद, तो आयसर पलट गए, उसके कारण सभी लोग घायल हुए। कितने लोग उन लोग तो नहीं बताया, मगर अपने यहाँ घायल 27 है।